हरे कृष्णा। अब कल धनतेरस था ना। हाँ लो। ये महंगा है, नहीं लेना। नहीं ले। हरे कृष्णा फ्रेंड्स, तो आज मैंने ना ये ब्रेड को ऐसे बीच में से काट के ना इसको बेल के समोसा बना रही थी, पर ये ब्रेड ना पतली वाली है तो ये ऐसी बनी है। ये ना गुजिया टाइप में बन गई है, क्योंकि जो मैंने देखकर बनाई थी ना यूट्यूब पर, उनकी तो एक ब्रेड में से दो बनी थी, पर मेरी एक ब्रेड की एक ही बनी है। धनतेरस वाले दिन बूंदाबांदी हो रही है, हल्की हल्की बूंदाबांदी, भगवान का आशीर्वाद मिल गया है। मैंने फर्स्ट टाइम देखा है धनतेरस पर हल्की हल्की बूंदाबांदी। ओहो, दिवाली से पहले ही पटाखे जलाना शुरू कर रही है। कैसे फोड़ रही है? ये लड़की पागल है, कोई बात मानती नहीं है। घर के अंदर ही पटाखे फोड़ फोड़ के इसने पूरा घर खराब कर रखा है। देखो कितना अच्छा खेल खेल रही है। अच्छा मैं तुम मक्खन खा लियो। है ना, क्या बोल रही हो? अच्छा मैं तुम मक्खन खा लियो। कौन मक्खन खा रहा है बाबू? ये मक्खन खा रहे हैं। इनके मुंह पे मक्खन मक्खन लगा और गाय पे बहुत से छो गई है। ओ, गाय पे छो गए। हरे कृष्णा गाइस, तो बड़े दिनों से ट्राई कर रही थी कि भाई सत्संग में साड़ी पहनकर ही जाया करूं, लेकिन ना हो नहीं पाता है। आज साड़ी पहनने का सोचा तो 2 बजे से साड़ी पहनने लगे, 1 घंटा लग गया। इसके जो मैं शूज लाई थी ना, इसको मैं शूज पहना रही हूँ, तो पता है क्या बोल रही है? तो महंगा ले लिया आपने, तो 20 रुपए का था। कहाँ है बाबू, कैसे है ये शूज? तेज की बोलो, तेज की बोलो। ये महंगा है, नहीं लेना। नहीं लेना, 20 रुपए का है ये। ये प्रभु जी लोग ना सब हल्दूचोड़ से आए थे। हल्दूचोड़ में बहुत बड़ा, मतलब वहाँ पर मेरे ख्याल से 10-20 हज़ार गायें हैं। वहाँ पर अखंड हरिनाम संकीर्तन चल रहा है, जो 10 साल तक लगातार चलेगा, दिन में भी रात में भी। और ये हरे कृष्णा इस्कॉन के अंतर्गत ही है। ये प्रभु जी मतलब इतना अच्छा भजन गा रहे थे इस टाइम। और ये छोटी ना बहुत दिनों बाद आई थी सत्संग में, तो इसका कूदना, एक अच्छे से कूदना सीख गई है। बस इसको बहुत ही मज़ा आता है मेरे साथ संकीर्तन में, ये बहुत ही झूमने लग गई है। और ये शाम इस टाइम ना मतलब छोटी धनतेरस था, धनतेरस वाली रात में ये इतनी तेज आंधी चल रही थी, हल्की हल्की बूंदें भी गिर रही थी, हल्की हल्की बारिश भी हुई, और रात को 9 बजे यहाँ से जाना हुआ। तो ये इतनी देर तक इसलिए जागी हुई थी क्योंकि इसको केक खाना था, ये जन्मदिन के उपलक्ष में इतना बड़ा प्रोग्राम था। तो ये व्लॉग नेक्स्ट डे कंटिन्यू हो रहा है। तो हम रात को 9 बजे आई थी, उसके बाद मेरे को इतना सारा काम करना था ना, मैंने व्लॉग बनाया ही नहीं। अब अगले दिन यानी कि आज के दिन, जिस दिन ये वीडियो अपलोड करूँगी, आज के दिन सुबह रिकॉर्ड कर रही हूँ। अच्छा ऐना, ये इतनी ज़िद्दी है ना, जब प्रसाद मिलने लगा ना, इसके पास टॉफ़ी थी, तो मैंने इसे कहा कि तू अब रात को 9 तो बजी गए थे, फटाफट से प्रसाद लेकर घर जाना है, टॉफ़ी मत खाना। ये थोड़ी देर तो बात मान गई, जैसे ही इसके आगे प्लेट आई ना, इसने तुरंत क्या करा, क्या कराया ना तुमने? मैंने टॉफ़ी खा ली। इसने टॉफ़ी खा ली, ये बात नहीं मानती है बिल्कुल भी, एकदम इसने टॉफी खा ली। और तेरे को डर नहीं लगता है मेरे से? नहीं। क्यों नहीं लगता? ये बिल्कुल नहीं डरती है, ये ना बिल्कुल किसी की बात नहीं सुनती है। मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था ना, इसे लगाऊं मैं एक, फिर टॉफी क्या खाती इसका, ये क्या खाती है ना, पूरी के साथ चावल खाती है, मतलब कोई सब्जी नहीं, कोई कुछ नहीं। फिर मैं इसका पर्स में डाल के ले आई थी थोड़े से, 1 चम्मच चावल और एक पूरी, वो इसने घर में भी नहीं खाए। इसको क्या चाहिए, मोमो खाना है, पिज्ज़ा खाना है, ये चाहिए इसको, मोमो पिज़्ज़ा बर्गर। और मैंने सिर में ना पैक लगाया है, 5-6 चीज़ों का मिला के मैं पैक लगाती हूँ, जिससे कि मेरे बाल ना ठीक है। लहंगा चाहिए। क्या चाहिए इसको? लहंगा चाहिए पहनने के लिए, लहंगा पहनने के लिए, इसे पहनने का। ये ना मेरे जो घर का जो स्लोप है ना स्कूटी चढ़ाने वाला, वो बहुत हाइट पर है, तो मेरे से स्कूटी स्टार्ट होके मैं अंदर नहीं ले पाती, तो मैंने सिद्धार्थ ना हमेशा धक्का लगाता है। कल इसने क्या करा, इस सिद्धार्थ को धक्का दे दिया और खुद स्कूटी पर धक्का लगाने लगी। इसके अंदर इतना जोर है कि ये स्कूटी पर धक्का लगाएगी और स्कूटी अंदर चली जाएगी घर के। फिर हुआ ये, स्कूटी ऊपर चढ़ नहीं पाई, वो बीच में रुक गई, और मेरे को इतना गुस्सा आया कि इसके में ऐसा ऐसा मारूँ ना मैं इसके। फिर मैंने रात को इसको बहुत डांटा, ये मेरा पूरा मूड ख़राब कर देती है। मतलब अपने आप को ही ऐसा समझती है ना कि मतलब मेरे को सब पता है, मेरे को मैं सब कर लूँगी। और कई बार ना बच्चे इसी चक्कर में, ये तभी इसी चक्कर में मार भी बहुत खाती है। कल तूने कितने थप्पड़ खाए फिर?
सारे सारे नहीं खाए, एक भी नहीं खाया इसने थप्पड़। झूठ बोल रही है, झूठी लड़की मक्का। एक दो। अच्छा पहले तुम सबको ये बोल दो कि मैं आपसे जितनी करूंगी। दोस्तों अब मैं जीते नहीं करूंगी। दोस्तों बोल रही हो? दोस्तों अब मैं जितनी करूंगी। क्या दो, मैं अच्छी बच्ची बन गई हूँ। मैं अच्छी बच्ची बन गई हूँ। अब मैं मम्मा की सारी बात मानूंगी। अब मैं सारी बात मानूंगी। अब कल धनतेरस था ना? हाँ किसी कर रही है। कल धनतेरस था ना, हम लोग झाड़ू खरीद के लाए और वो कैंडल ले आए, और कुछ लिया नहीं क्योंकि मकान बन रहा है ना तो पैसों का ऐसे ही हो रहा है हिसाब किताब। और वैसे मेरे को कुछ खरीदने की इच्छा भी नहीं होती। बस कल हरिनाम संकीर्तन में गई थी, भगवान का नाम लेना तो सबसे बड़ी, मेरे को लगता है कि सबसे बड़ा तो वही है जो हमें लेना चाहिए। बाकी सोना चांदी मेरे को इतना पसंद भी नहीं है। तो चलो आज छोटी दिवाली है, बोल दो हैप्पी हैप्पी छोटी छोटी दिवाली दिवाली।